एक और न्यू एंट्री जो कि कॉन्सेप्ट इनका खड़ा हुआ है स्पोर्ट्स बाइक जैसा ही, जो कि इलेक्ट्रिक है। और ये ब्रांड कौन सा है सर? ज़ीलियो। ज़ीलियो, ये कौन सा प्रोडक्ट है इसका? सर ये हमारा बाइक है, मोटरसाइकिल, ये हम लेके आ रहे हैं 3 किलोवाट मोटर के साथ। 3 किलोवाट मोटर, 72 वोल्ट बैटरी, 120 की रेंज, 90 किलोमीटर की स्पीड के साथ। 90 किलोमीटर की स्पीड, हाँ, 0 to 60 in 4 seconds। 0 to 60 4 seconds। और रेंज अप्रॉक्स 2 to 2.5 lakhs। नहीं, रनिंग 120 किलोमीटर माइलेज, 120 किलोमीटर। बाइक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एक बारी इस तरफ से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ये थोड़ा सा ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ है, ड्यूल डिस्क ब्रेक, और इसके अलॉय व्हील्स भी बहुत अच्छे लगे, अलॉय और स्पोर्टी टायर्स हैं। ओके, रेंज इसकी है 120 किलोमीटर की। यस, रेंज। यस, और चार्ज कितनी देर में हो जाएगी? चार्ज 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। फुल चार्ज हो जाएगी। बैटरीज कौन सी यूज की है इसमें? बैटरीज के अंदर हमने LFP बैटरीज यूज करी है, लिथियम फेरोफॉस्फेट। अच्छा, तो वो सेफ होती है? बहुत ज्यादा। लिथियम फेरोफॉस्फेट में कोई फटने का कोई चक्कर नहीं है भाई। वैसे इसका जो डिजाइन है पीछे से, यहाँ से बहुत शार्प टेल है, इतना ऊंचा यहाँ पे गैप है, और ये वाला जो टायर है इसके अंदर हब मोटर यूज की हुई है आपने। लाइट्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर है। ये चीज अच्छी लगती है मुझे, जो भी EV डिजाइन कर रहे हैं ना वो लोग हैलोजन ना डाले, है ना, वो लोग ये डाल दें LED। इससे क्या है, थोड़ा सा बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। कब से स्टार्ट किया हुआ ये वाला प्रोजेक्ट? सर ये हम इसको इसके ऊपर 1 साल से लगे हुए हैं। ओके, और अभी तो ये इंपोर्ट करा हुआ है, बट हम इसके सारे चाइल्ड पार्ट्स को हम इंडिया में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम इसको विदाउट सब्सिडी के साथ लॉन्च करने वाले हैं 8 महीने में, उसके बाद हम इसको FAME II सब्सिडी के साथ ला रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को थोड़ा और अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी, प्राइस रेंज और कम हो जाएगी। और पेरेंट पार्ट में क्या आता है? मोटर और मोटर कंट्रोलर बैटरी, पेरेंट पार्ट में, पेरेंट पार्ट्स में आता है। ओके, क्या जो चेसिस है वो बहुत हैवी है, नॉर्मल बाइक से 3 times हैवी चेसिस है। तो ये कितने तक की रेंज में आ जाएगी? सर ये विदाउट सब्सिडी 2 to 2.5 lakhs में आ जाएगी, बट इफ वी आर एबल टू कम्प्लीट विद इन अ ईयर, अगर हम FAME II सब्सिडी में चले जाते हैं तो हम इसको 2 lakh के अंदर, अंडर 2 lakhs ले आएंगे। हाँ। एक बार ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दो, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कुछ कुछ प्यारा सा, खूबसूरत सा, अच्छा सा लग रहा है। टॉप स्पीड इसकी 120 किलोमीटर की है, 90 की है, और रेंज इसकी 120 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ये अच्छा है यार, चलो थैंक यू सो मच। बस ये बता दो कि अगर किसी को जानना हो आपके ब्रांड के बारे में कैसे जाने, वो विजिट कर सकता है, हमारी वेबसाइट है www.zilioebikes.com, हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है zilioebikes। टेस्ट राइड वगैरह मिल रही है? नहीं मिल रही? हाँ, मिल रही है सर, मिल रही है। आप तो फॉर श्योर आओ सर, कॉन्टेक्ट करो, टेस्ट राइड ले लो। बाकी प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, बाकी अभी मार्केट में बहुत सारे और प्रोडक्ट है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यूनिक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो गाइस, एक और है यहाँ पे बाइक जिसका ब्रांड का ही नाम है ऑटोमोबाइल्स, है ना? ऑटोमोबाइल, यस। हाँ, ऑटोमोबाइल। सो एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। ऑटोमोबाइल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ कैफे रेसर बाइक। दिस इज द फर्स्ट कैफे रेसर लुकिंग बाइक, है ना? कैफे रेसर लुकिंग बाइक है। दिस इज द फर्स्ट वन इन इंडिया, वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर कैफे रेसर बाइक्स। स्पीक इन हिंदी। ओ, ये इंडिया में पहले गाड़ी है जो कैफे रेसर मैन्युफैक्चर कर रहा है। ओके, और लुक वाइज वैसा है। हाँ, तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं जो इन हाउस बिल्ड किए हैं? ये एक्चुअली पूरा का पूरा इंडिया मेड है। इंडिया मेड है, एंड एक्सेप्ट फॉर जो बैटरी का पेरेंट पार्ट जो होते हैं। जी, पेरेंट पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो। हाँ, ओके। और ये रेंज कितनी दे देती होगी? रेंज आपको 100 किलोमीटर का रेंज दे देगा ये, सिंगल चार्ज पे। सिंगल चार्ज 100 किलोमीटर का रेंज जी, और सिंगल चार्ज के लिए आपको सिर्फ ₹10 खर्च करना पड़ता है, एक्चुअली उससे कम। और 100 किलोमीटर ₹10 में या ₹9 में, तो एक पर किलोमीटर तो बहुत कम पड़ गया फिर। यस, है ना, तो पेट्रोल से तो बहुत कम पड़ गया। बाकी स्टाइलिंग जो है, कुछ ऐसा स्टाइलिंग है इनकी, टेल लाइट वगैरह ऑन कीजिए, दिखाइए जो इग्निशन ऑन करके अगर होता है तो। ओके, सो ये सारा का सारा हैंडमेड है या फिर ये फैक्ट्री बिल्ड है? और ये जो प्रोडक्ट है ये फाइबर बेस्ड है या फिर मेटल बेस्ड? ये मेटल बेस्ड है। मेटल बेस्ड, मेटल बेस्ड बॉडी पूरा मेटल बेस्ड है, एंड देन द टैंक कवर्स एंड बैटरी स्टोरेज इज अपना जो फाइबर है। ओके, फाइबर जी। ओके, सो यहाँ पे की का हो ये है साइन, तो इससे क्या होगा? उसमें क्या है ना, ये स्टोरेज यूनिट है। ओके, बैटरी स्टोरेज कर सकते हैं इसको। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक में स्टोरेज यूनिट। ओके, सही है। तो यहाँ से इसको खोलते हैं तो यहाँ पे बैटरी है, सॉरी यहाँ पे चार्जर है। चार्जर रखा हुआ है। हाँ, चार्जर मतलब चार्जर चाहे रखो चाहे ना रखो चलेगा। आप कुछ और सामान रख सकते हो, आपका बुक रख सकते हो, बैग रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। और इसमें इसमें चार्जर है।
सॉरी इसमें बैटरी है। वेयर यू फ्रॉम? हैदराबाद। तभी तो चार्जर और बैटरी में कंफ्यूजन हो रहा है, बट इट्स ओके, इट विल वर्क फॉर अस। इसमें से आप बैटरी निकाल सकते हो, आप आपका डेस्क पे ले जा सकते हो और चार्जिंग रख सकते हो। दैट इज वैसे ही है कि रिमूवेबल बैटरी है, बंदा निकाले अपने घर पे लेके चले जाए। जी तो कितने रुपए की पड़ेगी इंडियन मार्केट में? तो अभी जो फिलहाल का प्रोडक्ट है वो है अपना लो स्पीड मॉडल, जिसके लिए आपको ना रजिस्ट्रेशन का जरूरत है ना चालन कटेगा उस पर। दैट इज अ लो स्पीड मॉडल, 25 किलोमीटर पर आवर का। ओके okay. और ये जो है अभी अपकमिंग मॉडल है ये 70 किलोमीटर स्पीड का है। इसके लिए लाइसेंस चाहिए? इसके लिए लाइसेंस लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, और ये रहेगा अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग आपको जो सब्सिडी है उसका सब मिलाने के बाद आपको रोड पे आएगा क्लोज टू 1,30,000 रुपीज़। 1,30,000। और जो लो स्पीड मॉडल है वो आ जाएगा आपको 75,000 रुपीज़ पे। तो ये लॉन्च कब तक होगा? ये ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स ले चुका है हम लोग। अच्छा हो चुके हैं जी, हम लोगों को ऑलरेडी लगभग 300 प्री ऑर्डर्स आ चुका है। ओके okay. और ये आएगा आपको मार्केट में नवंबर में, मोस्टली नवंबर में। यस बट इसमें हेडलाइट हैलोजन है, तो हैलोजन से बैटरी के रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब सेट किया हुआ है। सब सेट किया हुआ जी, अपना BMS खुद का BMS ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे जो है इसमें डिस्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर ब्रेक शो वाली ब्रेक होगी, है ना, जो पावर नहीं है क्योंकि ज्यादा तेज नहीं चल रही है। जब अगर 25 किलोमीटर 75 किलोमीटर पे चल रही है तो ये ब्रेक भी मेरे ख्याल से काम कर सकती है ना वहाँ पे। यस, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक बारी यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दो, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी अच्छा से लगा है, काफी स्लिम है, स्लीक है, और ये भी इन फ्यूचर इंडिया में ही बनेगा। यस, ये इंडियन। तो क्योंकि ये जो शुरुआत हो रही है अभी जितने सारे स्टार्टअप्स हैं, अभी तो चलो ठीक है R&D का प्रोसेस है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब फ्री हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी वगैरह सब्सिडी, तो सब कुछ अनाउंस बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल। और ये प्रोडक्ट की अगर किसी इंसान को टेस्ट राइड लेनी हो तो वो क्या करे? तो हम अपना जो नोएडा का एग्जीक्यूटिव है उससे बात कर सकते हो, वो टेस्ट राइड आपको अरेंज कर देगा। पूरे हिंदुस्तान में आपको सब मेट्रोस में मिल जाएगा आपको टेस्ट राइड। और बेसिकली ये कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? ये हैदराबाद से बिलोंग करती है। हैदराबाद से। हैदराबाद अब पूरे इंडिया में फैलने वाला। यस, इंडिया में ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने ऑलरेडी 250 चार्जिंग स्टेशन लगा दिया है। वहाँ पे आपको जस्ट फोन कॉल अवे आपको टेस्ट राइड मिल जाएगा वहाँ से। वेरी नाइस यार।